ये सारे के सारे लोग, निलेश से लेकर राजेंद्र कुमार जी, जिनसी विलियम, ज्वाला नितिन, बोंदारेस बलिराम जी, ये सारे बीएमएस हैं और आज के डेट में ये सभी के सभी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा में। आप पंजाब में कमिश्नर हैं म्युनिसिपल के, और श्री लक्ष्मी विलियम जो नीचे है ये यूपी में ही आईएएस हैं। पिछले जब मेरा कांटेक्ट हुआ था तो प्रतापगढ़ में, ये फतेहपुर में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थी व्हेन शी स्टार्टेड हिज करियर इन उत्तर प्रदेश। और नितिन ज्वेल्स, ये आसाम उड़ीसा गवर्नमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वहां का एक पब्लिक सेक्टर कंसर्न है इपकॉल। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं कि आप बीएमएस करने के बाद में कहां जा सकते हैं। हमारे देश में आईएएस से ज्यादा लुक्रेटिव कोई सर्विस नहीं है। तो ऐसे हमारे 50 से अधिक ग्रेजुएट्स हैं जो बेसिकली बीएमएस हैं और उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। ऐसे राखी मित्तल है, ये जॉइंट डायरेक्टर हैं आयुष के ही, हिमाचल प्रदेश से ही बीएमएस किया और उसी डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर रही। ऐसे ही जयावती ठाकुर हैं, ये बीडीओ कुल्लू है। तो ये स्टेट सर्विसेज में है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताता हूं मैं, वंदना वर्मा का। ये डॉक्टर वंदना वर्मा जी हैं ऋषिकुल से, इन्होंने बीएमएस किया, उसके बाद में इन्होंने यूपी का जो अपना स्टेट सिलेक्शन कमेटी यूपीएससी वो क्रैक किया और ये बीडीओ हो गई। लेकिन बीडीओ बनने में भी इनको लगा कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस। उसके बाद में इन्होंने उत्तराखंड को पुलिस सर्विस कमीशन को अपेयर हुई और ये उनकी लेटेस्ट फोटो है, ये रुद्रपुर में डिप्टी एसपी है। बलिराम जी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं, महाराष्ट्र से ही बीएमएस किया है। ऐसे ही श्री लक्ष्मी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में है, नीलेश जी उड़ीसा के हैं, और केतन पटेल जी, केतन पटेल जी आईपीएस हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और फरीदकोट के एसएसपी हैं। ये ऊपर वही एक अपने कॉलेज में जब जिनसी आर विलियम गई थी तो ये उस उनके कॉलेज ने उनको फेलिसिटेट किया था, ये उस टाइम की फोटो है। और ये राजेंद्र जी हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट बीएमएस अगर गवर्नमेंट में हैं, तो ये आज की डेट में भी पीएम ऑफिस में डायरेक्टर हैं। ये दृष्टांत मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि आपको आपसे ज्यादा जज कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत कम की है और मैं शायद और मेहनत करूं तो मैं अगली बार क्रैक कर सकता हूं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से आपने ये इवेल्युएट कर लिया कि मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता या कर सकती, तो आपको ध्यान लगाकर अपने इस ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कारण उसका ये है कि अगर आप एक साल और नीट देना चाहेंगे तो आप बीएमएस का फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पास भी हो गए तो आपको जो नॉलेज फर्स्ट ईयर में मिलनी चाहिए आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स की, वो नहीं मिलेगी, तो आप पूरे अगले 4 साल में भी स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए और बहुत ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए कि क्या आप इससे ज्यादा मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। इफ आंसर इज यस, हाँ जाइए, गो फॉरवर्ड। लेकिन अगर आंसर ऐसे ऐसे हो रहा है या डेफिनेटली नहीं भाई हम इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, कंसंट्रेट ऑन बीएमएस, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं।